हरि ओम तत्सत। सादर नमस्कार। आज योग परिचय के अंदर योग के विभिन्न प्रकार, विशेषकर ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में देखेंगे। इन तीनों योगों का उद्देश्य क्या है? ज्ञान योग की साधना कैसे करते हैं? कर्म योग का उद्देश्य और साधना, कर्म योग के भेद और विभेद देखेंगे और भक्ति ठीक उसी प्रकार भक्ति योग के उद्देश्य, विविध रूप और विविध प्रकार देखेंगे। इसके पहले हम लोग योग का अर्थ, परिभाषा और संक्षिप्त इतिहास पढ़ चुके हैं। योग का अर्थ और इतिहास से भली भांति परिचित हो चुके हैं कि योग एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह एक जीवन के परमार्थ और पुरुषार्थ के माध्यम से आत्मा को परमात्मा में मिलाने का सहज योग अर्थात सहज माध्यम है। इतिहास में हम लोगों ने देखा कि यह अति प्राचीन है और अति आधुनिक भी है। हर युग में, हर काल में, चाहे वह वैदिक काल हो या आधुनिक काल हो, यह मनुष्य जीवन के सर्वांगीण विकास में मुख्य भूमिका अदा करता आया है। योग के द्वारा किस प्रकार मनुष्य संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकता है, उन साधन पद्धतियों को अपनाकर जीवन की उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकता है, जिन साधन पद्धतियों को अपनाकर हमारे ऋषि मुनियों ने आत्म उन्नति कर समाधि कैवल्य की प्राप्ति की, इस योग विद्या का और विस्तृत अध्ययन करने के लिए योग के प्रकार का अध्ययन करना अति आवश्यक है। योग के यूं तो कई प्रकार है, इनमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। योग के प्रकार में योग के विभिन्न मार्ग, परंतु सभी का लक्ष्य एक ही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। ज्ञान योग या ज्ञान मार्ग द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति और उस तत्व दर्शन को जानना, तत्व की प्राप्ति करना और ईश्वर तक पहुंचना, निष्काम कर्म द्वारा ईश्वर की प्राप्ति तथा ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम ही भक्ति योग है। हम लोग ज्ञान योग की साधना, कर्म योग की साधना, भक्ति योग की साधना के साथ साथ इन सभी साधनाओं को भी हम अपने जीवन में अपनाकर जीवन को किस तरह से उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं, यह देखेंगे। योग के विभिन्न प्रकारों को समझ पाएंगे, ज्ञान योग को स्पष्ट कर सकेंगे, क्योंकि कई बार व्यक्ति जो अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास ही ज्ञान है, और जिस दिन ऐसा लगे कि मेरे पास ही ज्ञान है, वह अज्ञान का पहली सीढ़ी है। तो हम लोग योग के प्रकार देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय ऋषि महर्षियों ने अंतःकरण में योग की विमल मंदाकिनी परंपरागत रूप से पवित्र गंगा की धारा के रूप में अविरल अनवरत प्रवाहित होती आ रही है। यह योग विद्या ब्रह्म विद्या, ब्रह्म द्वारा निर्दिष्ट तथा हमारे ऋषियों, तपस्वियों तथा दार्शनिकों के द्वारा अपनाई गई श्रेष्ठ साधन पद्धति है। महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र का प्रथम सूत्र ही है अथ योगानुशासनम, जिसका अर्थ है कि आपके जीवन का वह मंगलवाचक क्षण आ गया है जिसमें कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। या इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अब आपको एक निश्चित कार्य व्यवस्था का अनुसरण करना होगा और वह निश्चित कार्य व्यवस्था ही योग है। और इस योग पद्धति को अपनाने के लिए हमें सबसे पहले अनुशासित जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले अनुशासित जीवन की आवश्यकता है। अनुशासन स्वयं पर, शासन स्वयं के प्रति कठोरता ही अनुशासित जीवन का पहला लक्षण है। यही कठोरता हमें स्थिरता देती है। योग के द्वारा चित्त की शुद्धि, इंद्रिय संयम तथा स्थिरता, लघुता, शारीरिक व मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। योग के मार्ग में साधन प्रणालियां भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न होने पर भी सभी का लक्ष्य एक है, सभी का ध्येय मोक्ष की प्राप्ति है। या यूं कह सकते हैं कि सभी के द्वारा समग्र स्वास्थ्य की प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष प्रदायी है।
इसको इस प्रकार भी समझा जा सकता है जैसे एक पर्वत के शिखर पर चढ़ने के कई मार्ग हो सकते हैं। सभी का लक्ष्य पर्वत का शिखर है। हम जिस भी मार्ग से जाएंगे वह चोटी पर अवश्य पहुंच जाता है। जो जिस मार्ग को अपनाता है वही मार्ग से उसका नाम जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस साधन मार्ग को हम अपनाएंगे उसी के अनुसार भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग या कर्म योग साधना निर्धारित होती है, परंतु लक्ष्य सभी का एक ही है। योग साधना के इन्हीं विभिन्न मार्गों के नाम हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग इत्यादि। इनमें से प्रमुख हम ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि ज्ञान योग क्या है। योग के क्षेत्र में साधक का जो भी मार्ग होता है, अर्थात वह जिस प्रकार के साधनों को अपनाता है, उनका प्रयोग करता है, उन्हीं के अनुरूप उसकी साधना का नाम होता है। यदि ज्ञान साधना के साधनों का प्रयोग किया जाए तो वह मार्ग ज्ञान योग कहलाएगा। ज्ञान योग वह साधना है जिसमें सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति ज्ञान मार्ग द्वारा होती है। वह सभी साधनाएं जिसमें ज्ञान को माध्यम बनाकर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है उन्हें ही ज्ञान योग कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहा गया है। गीता में मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान की महत्व को सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित किया गया है। ज्ञान योग के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार होता है। ज्ञान की अंतिम और वह उच्चतम अवस्था है जिसमें साधक में अहम ब्रह्मास्मि का भाव जागृत होने लगता है। ज्ञान योग के अनुसार ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी की महत्ता इस संसार में नहीं है। ज्ञान योग के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है और एक ब्रह्म ही सत्य स्वरूप है। ज्ञान योग के सिद्धांतों के अनुसार आत्मा शुद्ध, बुद्ध, सत्य, नित्य, आनंद स्वरूप तथा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान योग का उद्देश्य है कि ब्रह्म भाव की स्थिति को प्राप्त करना तथा यह ब्रह्म भाव की स्थिति ही मोक्ष है। ज्ञान योग के अनुसार जीव तथा ब्रह्म की एकता का ज्ञान होना ही मोक्ष है। ज्ञान योग विवेक ज्ञान की प्राप्ति है जिसके द्वारा सही गलत का ज्ञान होता है। नित्य अनित्य का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना ही ज्ञान योग का उद्देश्य है। ज्ञान द्वारा ही मनुष्य देह देवालय बन जाती है। मनुष्य का देह देवालय बन जाता है। मनुष्य जन्म सफल हो जाता है क्योंकि मनुष्य जन्म साधना के लिए मिला है। साधना मनुष्य योनि में ही की जा सकती है, अन्य योनियों में नहीं। ज्ञान योग द्वारा मनुष्य जन्म सार्थक बनाया जा सकता है। नित्य अनित्य, पाप पुण्य, सुख दुख, खाद्य अखाद्य पर विचार कर शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति की जा सकती है। अतः ज्ञान योग का उद्देश्य है समग्र स्वास्थ्य के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति। अतः आइए हम ज्ञान योग साधना है क्या, यह कितने प्रकार की है, इनके दोनों बहिरंग और अंतरंग साधना का विस्तृत अध्ययन करते हैं। ज्ञान योग की साधना ज्ञान मार्ग के द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति है। ज्ञान योग का वर्णन उपनिषदों में ध्यानात्मक अवस्था के रूप में तथा अंतर ज्ञान क्षमता को विकसित करने वाले साधनों के रूप में किया गया है। ज्ञान योग एक विद्या है, एक ऐसा विवेक ज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य को सही गलत का ज्ञान प्राप्त होता है, अंतर ज्ञान प्राप्त होता है। अतः कहा जा सकता है ज्ञान योग द्वारा सजगता की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग ऐसी सजगता की प्राप्ति है जो मनुष्य को अपने अंदर में उतार देती है। अंतर ज्ञान की ऐसी प्राप्ति जो उस अवस्था तक पहुंचा देती है जहां यह भाव जागृत होता है, अहम ब्रह्मास्मि। इस अवस्था में साधक स्वयं को ईश्वर के रूप में जान पाता है और ईश्वर का बोध होते ही वह उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योग हमें अपनी अंतर्ज्ञान विशिष्टता के प्रति सजग होने की योग्यता है। इस अंतर्ज्ञान के पाते ही मन के बंधन टूट जाते हैं और अपने स्रोत के निकट आते हैं। ज्ञान योग का यौगिक दृष्टिकोण अनुभव द्वारा
ज्ञान प्राप्त करना है तथा इस प्रक्रिया को आरंभ शरीर तथा मन की आवश्यकताओं से होकर आध्यात्मिक में परिवर्तित हो जाता है। ज्ञान योग की साधना में अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः दो साधनों का वर्णन किया गया है, बहिरंग और अंतरंग, जो स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी ने बताया है। बहिरंग साधना की बात करें तो ज्ञान योग की साधना में कुछ बातों का पालन आवश्यक बताया गया है। प्रारंभिक अवस्था में जिन बातों का पालन आवश्यक है उसे बहिरंग साधना कहा गया है। बहिरंग साधना के विभिन्न भेद हैं, जैसे विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। अर्थात बहिरंग साधना में विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति में भी षट अर्थात छह, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। इसी प्रकार मुमुक्षुत्व है और अंतरंग साधना में श्रवण, जैसे भगवान की कथा सुनना या जैसे आप अभी सुन रहे हैं हमें, और सुनने के बाद उनको मनन करना, चिंतन करना और फिर निधि ध्यासन अर्थात उसको अपने जीवन में उतारना, यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन अर्थात स्थिति परिस्थिति, मूलबंध, देह स्थिति, दक स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अर्थात इसमें अष्टांग योग के साथ साथ भी बंध, काल इत्यादि इसमें प्रमुख रूप से समाहित हैं। इस तरह से ये ज्ञान के कुछ प्रकार हैं जो अब थोड़ा सा हम लोग विस्तार में देखेंगे। विवेक अर्थात ज्ञान योग के बहिरंग साधन में पहला साधन है। विवेक एक दिव्य शक्ति है जिसको बुद्धि भी कह सकते हैं, लेकिन बुद्धि से थोड़ा श्रेष्ठ होता है विवेक। उस मनुष्य का कभी पतन नहीं हो सकता है जिसने विवेक का सहारा लिया। विवेक द्वारा अपने कार्य किए हों, यह एक ऐसा दिव्य शक्ति है जिसमें मनुष्य जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते देखे गए हैं। और विवेकहीन मनुष्य ही हमेशा दुखी और अस्वस्थ देखे जाते हैं। लौकिक दृष्टिकोण से ही सही गलत का ज्ञान होना ही विवेक है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो विवेक का तात्पर्य नित्य अनित्य का ज्ञान है। तत्वबोध में वर्णन मिलता है, नित्यवस्तेवेकम ब्रह्म तदव्यतिरिक्तम सर्वमनित्यम अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। अर्थात एकमात्र ब्रह्म ही नित्य है और समस्त जगत अनित्य है। ब्रह्म के सिवा यह जगत मिथ्या है। कहा भी गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। विवेक ज्ञान वह ज्ञान है कि एक ब्रह्म ही सत्य है, अजर है, अमर है तथा यह संसार नश्वर है। अतः जागतिक विषयों या इस संसार के प्रति राग न रखते हुए उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधक को विवेक की आवश्यकता होती है कि इस मार्ग में चलने के लिए आहार विहार व्यवहार की शुद्धि होना आवश्यक है। शरीर संशुद्धि के लिए आहार रूपी विवेक ज्ञान आवश्यक है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जैसे खाए अन्न वैसा बने मन, अर्थात जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे ही हमारा मन हो जाता है। अतः उन्नति के लिए सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। शास्त्रों में आहार संशुद्धि पर बल देते हुए कहा गया है कि भोजन किस प्रकार का है, तामसिक खाद्य पदार्थ तमोगुणी बनाते हैं तथा अच्छे मन से या अच्छी भावनाओं से बनाया गया भोज्य पदार्थ तामसिक वृत्ति उत्पन्न करता है। खाद्य अखाद्य का ज्ञान साधक को रखना चाहिए। इस प्रकार संसारी वृत्तियों में आसक्ति न रखते हुए खाद्य अखाद्य तथा सत्य असत्य के सही गलत का ज्ञान को रखकर ईश्वर को प्राप्त करना विवेक का ज्ञान है। अर्थात भोजन बनाते वक्त भगवान का भजन हो तो वह सात्विक भोजन आ गया, लेकिन यदि बिना मन का भोजन बनाते हैं या मेहमान वाजी में बिना मन का आप भोजन करते हैं तो सभी तामसिक भोजन है। इसी तरह से दूसरा ज्ञान का प्रकार है वैराग्य। बहिरंग साधन में वैराग्य का समान अर्थ होता है बिना राग के। अर्थात जिस मनुष्य को राग नहीं है वह वैराग्य है। वैराग्य वह अवस्था है
जिसमें मनुष्य को विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात संसार के भोगों के प्रति आसक्ति नहीं रहती तथा पारलौकिक सुख ऐश्वर्य की भी आसक्ति नहीं रहती। इन दोनों यह लौकिक तथा पारलौकिक सुख भोग की इच्छा का परित्याग कर देना ही वैराग्य है। मनुष्य देखे गए तथा सुने गए दिव्य सुख भोगों से इच्छा रहित हो जाता है तथा इन लोगों के भोगों के प्रति वासना का उदय न होना ही वैराग्य है। अब सट संपत्ति की बात करें तो छह साधन अर्थात ज्ञान योग की साधना में ये छह साधनों का साधक को अवश्य पालन करना होता है। जब वह इन्हें जीवन में अपना लेता है तब इन्हें साधक की सट संपत्ति माना जाता है। ये सट संपत्ति ऐसी है जिनके सहारे ही योग साधना में आगे बढ़ा जा सकता है। सम, दम, तितिक्षा, उप्रति, श्रद्धा और समाधान। सम का अर्थ होता है इंद्रिय निग्रह कर आत्मा को परमात्मा में लगाना। ज्ञान के द्वारा इंद्रियों को संयमित कर अपने चित्त को आत्मा में लगाना सम है। इंद्रिय संयम ज्ञान द्वारा किया जा सकता है। मनुष्य की 11 इंद्रियां हैं, उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन है। मन ही एक ऐसी इंद्रिया है जो सबसे अधिक चंचल है। वायु से भी तेज गति वाले इस मन को नियंत्रित करना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए इस मन का नाम अत्यन्द्रिय है। जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है, समो नाम अंतरिंद्रिय निग्रह, अंतरिंद्रिय नाम मनः तस्य निग्रह। अर्थात सम का तात्पर्य यहाँ अंतरिंद्रिय निग्रह कहा गया है और वह अंतरिंद्रिय मन है और इस मन के नियंत्रित होते ही इंद्रिय निग्रह संभव है। अतः इस मन को बस में करने के लिए अन्य शास्त्रों के साथ साथ गीता में भी साधना बताई गई है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चंचलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात ए महाबाहो अर्जुन, निश्चय ही यह मन बड़ा चंचल है, परंतु इस मन को बस में करने के 2 साधन है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को अवश्य ही बस में किया जा सकता है। इंद्रियों को इस प्रकार से निग्रह कर लेना ही सम है। दम का अर्थ है दमन करना, बाह्य विषयों से इंद्रियों को निग्रह कर लेना दम है। मनु स्मृति में कहा गया है, इंद्रियाणाम विचरताम विशेष पहारिषु संयमे वत्यमातिष्ठेद विद्वान यत्नेस वाजिनाम। अर्थात एक विवेकी पुरुष अनुचित कार्यों तथा विषयों में भागी भोग जाने वाली इंद्रियों को बड़े यत्न से नियंत्रित कर लेता है। जैसे एक दक्ष सारथी अर्थात जो रथ चलाता है पशु को लगभग खींचकर काबू में कर लेता है, घोड़ों के लगाम पर अपना काबू रखता है तथा अपने अनुसार उसे मार्ग पर ले जाता है, ठीक उसी प्रकार दम रूपी लगाम से अनुचित मार्ग में जाने वाली इंद्रियों का निग्रह करके ब्रह्म के चिंतन में लगाए रखने वाली विद्या दम है। उपरति, उपरति का तात्पर्य विरति से हो जाना है, अर्थात किसी भी वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी उसमें आसक्त न होना, उदासीन बने रहना उपरति है। उपरति सभी जागतीय संसारिक वस्तुओं में अनासक्ति का भाव है तथा कामनाओं को समाप्त कर इंद्रियों के विषयों से हटाना ही अविरति है। आचार्य शंकर के अनुसार जागतिक विषयों से राग रहित होकर तथा अपने अपने धर्म का पालन कर अपने चित्त को निर्मल बनाकर अंतरात्मा में लगाए रखना ही उपरति है। इसी प्रकार तितिक्षा, अपने ध्येय या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के द्वंद्वों को सहन कर लेना तथा साधना में तत्पर रहने का नाम तितिक्षा है। तितिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सहनशीलता। अपने साधना के मार्ग में आने वाले द्वंद, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख तथा शीत और उष्ण को सहर्ष सहन करना ही तितिक्षा है। तितिक्षा व तप करने के लिए सभी द्वंद्वों को सहन करने के लिए कहा गया है। जैसा कि वर्णन मिलता है, तपो द्वंद सहनम, अर्थात सभी प्रकार के शारीरिक व मानसिक द्वंद्वों को सहन करना तप है। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने वर्णन किया है कि यही तितिक्षा है, अर्थात सहनशीलता।
तप के प्रभाव से अशुद्धि का क्षय हो जाता है, शरीर शुद्ध तथा इंद्रिय संयमित हो जाती है। यह तितिक्षा का स्वरूप है। पांचवा बहिरंग साधन में है श्रद्धा। श्रद्धा नाम विश्वास का है। प्राचीन आर्ष ग्रंथों तथा वेद वाक्यों तथा गुरु वाक्यों में दृढ़ निष्ठा और विश्वास ही श्रद्धा है। गुरु वेदांत वाक्यादिशु विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास रूपिणो शंकर भवानी, अर्थात जो है गुरु को श्रद्धा रूप, वेद पुराण शास्त्रों के वाक्यों में दृढ़ विश्वास व आस्था ही तो श्रद्धा है। जिस मनुष्य को गुरु वाक्य वेद वाक्य में श्रद्धा नहीं रहती, संशय रहता है, उनका कभी भी उत्थान नहीं हो सकता है, पतन अवश्य होता है। अतः गुरु वाक्य और वेद वाक्य शास्त्रों में श्रद्धा का होना अति आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा आत्म उत्थान के लिए यह श्रद्धा अति आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कहा भी जाता है कि जिस व्यक्ति को श्रद्धा होती है, वस्तुतः ज्ञान भी उसी को मिलता है। छठा तत्व है समाधान। चित्त की एकाग्र अवस्था ही समाधान है। चित्त स्वभाव से चंचल है, परंतु साधना तथा अपने इष्ट की उपासना जप ध्यान के द्वारा चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, तथा एकाग्र चित्त के द्वारा आत्मअनुसंधान में लगे रहना ही समाधान है। अपने चित्त को सदा ब्रह्म चिंतन में ही रत रखना समाधान है। मुमुक्षुत्व, जागतीय विषयों से वैराग्य होने पर उस नित्य सुख की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की तीव्र इच्छा मुमुक्षुत्व कहलाता है, तथा मुमुक्षु पुरुष परमात्मा से इस प्रकार के भाव व्यक्त करता है, संसार बंधन निर्मुक्तः कत मेस्यांत का विभो, अर्थात हे ईश्वर, इस संसार चक्र रूपी बंधन जिसमें कि बार बार जन्म तथा मृत्यु होती है, इससे कब मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम पद मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीव्र उत्कंठा का होना ही मुमुक्षुत्व है। अंतरंग साधना, ज्ञान योग साधना में साधक चतुष्टय को बहिरंग साधन माना गया है, तथा अंतरंग साधन में श्रवण मनन निधि ध्यासन। यह साधन तीन प्रकार से श्रवण मनन और निधि ध्यासन। श्रवण का मतलब क्या है? सुनना। सुनने से तात्पर्य जो सुनने लायक हो उसे सुनना, वेदांत सुनना, सद ज्ञान सुनना, भगवान की कथा सुनना जिससे कि व्यथा दूर होती हो, उस ब्रह्म ज्ञान के विषय में सुनना, संशय रहित होकर के सुनना, गुरु के वाक्य को सुनना, उसे गुरु मुख से संशय की निवृत्ति के लिए सुनना। इस प्रकार गुरु मुख से संशय रहित ब्रह्म ज्ञान के विषय में श्रवण करना ही श्रवण कहलाता है। कुछ भी उलूल जुलूल सुनना श्रवण नहीं है। फिर सुने हुए सद वाक्यों को मनन करना, अर्थात ब्रह्म विषयक श्रवण किया हुआ ज्ञान यथार्थ रूप में अपने अंतःकरण में उतार लेना मनन है, या उस ब्रह्म का निरंतर चिंतन मनन कहलाता है। मनन से अस्पष्ट विषयों को स्पष्ट कर तथा संशय से रहित चिंतन दृढ़ निश्चयात्मक हो जाता है। इस प्रकार गुरु मुख से सुने हुए ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान के बार बार चिंतन करना मनन कहलाता है। अब अंतरंग साधन का अंतिम निधि ध्यासन के बारे में देखें, तो वेदांत के अनुसार निधि ध्यासन ही योग है। निधि ध्यासन का अर्थ होता है आत्म साक्षात्कार। ज्ञान योग में योगी ज्ञान अर्जित करने के साथ साथ उसे अपने जीवन पर लागू भी करते हैं। वे ऐसे किसी ज्ञान को व्यर्थ मानते हैं जिन्हें वह अपने जीवन में उपयोग न कर सके। ऐसा ज्ञान जिसे वह अपने जीवन में उपयोग कर अनुभव कर सके, और ऐसा अनुभवात्मक ज्ञान तथा बोध प्राप्त करना ही आधार है। स्वामी विवेक विज्ञानानंद सरस्वती ने निधि ध्यासन के 15 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें कि अभी हम लोग देख चुके हैं अष्टांग योग के 8 तो है ही हैं, साथ में 7 और तत्व इसमें जुड़े हुए हैं। यम विषयों के वशीभूत इंद्रियों को अपने वश में करके ब्रह्म चिंतन में लगा देना यम है। यम में भी हम लोग 5 तत्व देख चुके हैं, नियम भी
यह वह वृत्ति जो हमें परमात्मा से दूर करे उसे विजातीय वृत्ति कहा जाता है। विषयों से लिप्त वृत्ति विजातीय वृत्ति है तथा ईश्वर उन्मुख वृत्ति सजातीय वृत्ति है। अतः विजातीय वृत्ति का निरोध करना ही नियम है। त्याग। समस्त संसार के पदार्थ क्षण भंगुर है। यह जगत एक प्रपंच है, एक माया जाल है, अनित्य है तथा ब्रह्म ही सत्य है। तीनों कालों से परे है, अविनाशी है। इस प्रकार ज्ञान से इस संसार के माया जाल का प्रपंच का त्याग हो जाता है। इसी को महापुरुष त्याग कहते हैं। मौन अर्थात मन को रोक लेना। प्रजल्प अत्यधिक वार्तालाप को बाधक माना गया है योग में। अतः अत्यधिक वार्तालाप न कर मौन धारण करना ही योगियों का मौन है तथा इंद्रियों को संयमित कर अपनी आंतरिक ऊर्जा को ब्रह्म चिंतन में रमण कर देना ही मौन है। देश अपने अंतःकरण में किसी एक क्षेत्र में मन को लगा देना। काल यह ज्ञान रखना कि वह ईश्वर तीनों कालों से परे हैं। तीनों कालों में उनका नाश संभव नहीं है। वह अजर अमर अविनाशी है, वही कालों में महाकाल है। आसन वह अवस्था जिसमें सुख पूर्वक निरंतर बैठकर ब्रह्म चिंतन किया जा सके वह आसन है। जिन आसनों में ध्यान के लिए सुख पूर्वक बैठा जा सके वह ध्यान के आसन सिद्धासन पद्मासन स्वस्तिक आसन सुखासन सिद्धासन वज्रासन इत्यादि हैं। मूल बंध हठ योग के विपरीत यह ईश्वर के साथ चित्त को लगने वाला बंध है, क्योंकि वह ब्रह्म समस्त भूतों का मूल है। अतः उस ब्रह्म के साथ चित्त का बंध ही यथार्थ मूल बंध है। वह राज योगियों के द्वारा अपनाया गया बंध है। देह स्थिति चित्त का ब्रह्म में एकाग्र व निश्चल हो जाने पर देह व अंगों की स्थिति भी निश्चल व एकाग्र हो जाती है। यही चित्त व देह की साम्यता की स्थिति है। दृक् स्थिति दृष्टि को ज्ञान में बनाकर समस्त संसार को ब्रह्म में देखना, यह दृष्टि की उत्तम दृष्टि है। इस प्रकार ब्रह्ममयदम सर्वम वाली दृष्टि ही उत्तम दृष्टि है। फिर प्राणायाम अर्थात ज्ञान योगियों द्वारा अपनाया गया प्राणायाम इस प्रकार से, जैसे श्वास भरते समय यह चिंतन कि मैं ही ब्रह्म हूँ, पूरक प्राणायाम है। उस वृत्ति को निश्चित स्थिति का नाम कुंभक प्राणायाम तथा श्वास का रेचक करते समय इस जगत के प्रपंच का अभाव का भाव होना ही रेचक प्राणायाम है। प्रत्याहार अर्थात जब हम श्वास लेते हैं तो मैं ही ब्रह्म हूँ, सांस रोकता हूँ तो निश्चल स्थिति बन जाती है कि मैं ब्रह्म हो गया हूँ, और श्वास छोड़ते वक्त अर्थात रेचक प्रपंच का अभाव हो जाए। उसके बाद आता है प्रत्याहार अर्थात इंद्रिय संयम। इस संसार के विषयों में क्षणभंगुरता का निश्चय करके मन को अंतर्मुखी बना लेना ही प्रत्याहार है। जैसे कछुए अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक उसी तरह से इंसान को इस संसारिक विषय वस्तुओं से अपने इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। धारणा किसी भी देश में चित्त को एकाग्र करना या बांधना ही धारणा है। धारणा का वर्णन योग सूत्र में कुछ इस प्रकार है, देश बंधस चित्तस्य धारणा अर्थात किसी भी देश बाह्य अथवा भीतर में चित्त को बांध देना धारणा है। मन को एकाग्र कर लेना किसी विषय वस्तु पर, यह धारणा मध्यम व निम्न कोटि के साधकों के लिए बताई गई है। उच्च कोटि के साधक किसी भी अनात्म वस्तु में चित्त को न लगाकर चेतन तत्व में चित्त को लगाना ही धारणा कहते हैं। फिर ध्यान। धारणा की परिपक्व अवस्था ही ध्यान है। ध्यान का वर्णन करते हुए योगी सदानंद यति ने कहा है, तत्राद्वितीय वस्तु निवीक्षत्य द्वात्रेन्द्रिय वृत्ति प्रवाह ओह ध्यानम अर्थात उस अद्वितीय ब्रह्म तत्व का चित्त का विभिन्न अवस्थाओं का होने पर भी लगातार एक तानता पूर्वक एक समान वृत्ति का प्रवाहित होते रहना ध्यान कहा जाता है। अर्थात ध्येय वस्तु में तेल की धारा के समान वृत्ति का प्रवाह चलते रहना ही ध्यान है। समाधि। समाधि ध्यान की परिपक्व अवस्था है। योग दर्शन में समाधि का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब ध्यान में
ध्येय मात्र की प्रतीति रहती है तथा चित्त स्वरूप शून्य हो जाता है, वह अवस्था समाधि की अवस्था होती है। विदारण्य स्वामी कहते हैं, निर्वात द्वीप चिंत्य समाधि भी दीयते, अर्थात वायु रहित स्थान के दीपक की तरह अचंचल चित्त की निश्चल अवस्था का नाम ही समाधि है, अर्थात धारणा, फिर ध्यान और तब समाधि। इस प्रकार यह ज्ञान योग का हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यह विभिन्न विभागों में बटा हुआ है। ज्ञान योग में हम लोग मूल रूप से क्या क्या देखे, यह आपने देखा कि किस प्रकार से इसको बहिरंग साधना, अंतरंग साधना, फिर विवेक, वैराग, षट संपत्ति, इन सब की हम लोगों ने देखा, और फिर मोक्षत्व, फिर उसी तरह से श्रवण मनन और निधि ध्यासन भी हम लोगों ने देखा। तो ये था हमारा ज्ञान योग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो है कर्म योग। कर्म योग यह सर्व विदित है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। इसीलिए संसार में वैषम्यता दिखाई देती है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। यह सब पूर्व जन्म संस्कारों के कारण होता है, कुछ प्रारब्ध और कुछ पुरुषार्थ। पूर्व जन्म के संस्कारों के फल मनुष्य को अवश्य ही भोगने होते हैं, उसके पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखे हैं, सती मूले तुद्दीपाको जात्यायरो होगा, अर्थात मनुष्य को क्लेशों के मूल कर्म संस्कार के विद्यमान रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, तथा मनुष्य को जाति, आयु और भोग पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करेगा तब वह इस जन्म में उच्च कुल, दीर्घायु व भोग को प्राप्त करता है। इस संसार में जो भी विषमता है वह कर्म संस्कारों के कारण ही है, तथा कर्म संस्कारों के अनुसार ही मनुष्य सुख और दुख आदि क्लेश भोगते रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कर्म क्या है। कर्म शब्द क्री धातु से बना है। क्री धातु से क धातु में मन प्रत्यय लगाने पर कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है क्रिया या हलचल, प्रारब्ध, भाग्य इत्यादि। इसका अभिप्राय यह है कि जिस कर्म में कर्ता की क्रिया का फल निहित है वही कर्म कहलाते हैं। कर्म शब्द का तात्पर्य कार्य या अनुष्ठान से है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कार्य न करे। कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि बिना कर्म किए तो मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है और यही कर्म शब्द के साथ योग जोड़ देने से कर्म योग बन जाता है। या इस तरह से कह सकते हैं, जब कर्म कुशलता पूर्वक होने लगे तब समझना चाहिए कर्मों में योग साधना का प्रवेश हो चुका है। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म योग साधना में मनुष्य कर्म बंधन में बंधने वाले कर्म नहीं करता, वह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए फलाशक्ति का त्याग करता है, इसलिए इस प्रकार के कर्म मुक्तिदायक होते हैं। गीता का मुख्य विषय निष्काम कर्म योग है, जिसे कर्म योग कहा गया है। निष्काम कर्म योग का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति रहित होकर कर्म का पालन करना चाहिए। कर्म करने के बाद में सफलता या असफलता मिले उसमें समता का भाव रखना चाहिए, यही समता का भाव ही कर्म योग है। कर्म योग के साधना में साधक सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है। वह जो भी कर्म करता है भक्ति भाव पूर्वक वह परमात्मा को अर्पित करते हुए करता है, इसलिए उसको कभी कोई पाप भी नहीं लगता। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, हवन करता है, दान इत्यादि करता है, तप करता है, वह सब मेरे को अर्पण करता चल। श्रीमद् भगवत गीता में निष्काम कर्म योग की महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। आप कहेंगे कि कर्म योग का उद्देश्य क्या है।
तो कर्म योग का उद्देश्य श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति है। श्रेष्ठ कर्म प्रखर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए विशिष्ट शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का साग्रह अभ्यास ही कर्मयोग साधना है। कर्मयोग की साधना एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य का लौकिक तथा पारलौकिक दोनों पक्षों का उत्थान संभव है। कर्मयोग की साधना अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए फल इच्छा का त्याग कर मुक्ति की प्राप्ति है। यही मुक्ति की प्राप्ति साधक कर्मों की कुशलता पूर्वक करते हुए प्राप्त कर सकता है, जिसका वर्णन करते हुए गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति हम उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युञ्जस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात बुद्धि से युक्त मनुष्य अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्मों में आसक्ति का त्याग कर देता है। ऐसे ही कर्म कुशल कर्म कहलाते हैं। कर्मों में कुशलता का यहाँ कर्मों को इस प्रकार करने से है कि वे हमारे बंधन का कारण ना हो बल्कि मुक्ति दिलाने वाले हो। कर्मयोग की साधना से नितांत मलिन व कलुषित चित भी शुद्ध व निर्दुष्ट होकर योगमय होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। कर्मयोग की साधना के द्वारा अपने अपने नियत कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कर्मयोग के भेद में यदि थोड़ा सा ध्यान दें तो कर्मों की कुशलता निष्काम कर्म के बारे में तो हम लोग समझ गए, साथ ही यह भी समझ चुके हैं ईश्वर को अपने समस्त कर्म अर्पण कर देने से परम गति की प्राप्ति होती है। गीता में वर्णित कर्म कितने प्रकार के हैं? अर्थात कर्म मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, विहित कर्म जिसको सुकृत कहते हैं, निषिद्ध कर्म जो नहीं करना चाहिए उसको दुष्कृत कर्म भी कहते हैं। कर्म में विहित कर्म में नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म, और दूसरा कर्म है निषिद्ध कर्म। विहित कर्म किसको कहते हैं? विहित कर्म को सुकृत कर्म अर्थात अच्छे कर्म भी कहा जाता है। विहित कर्म के भी चार भेद हैं। नित्य कर्म, नित्य कर्म से तात्पर्य नित्य प्रति किए जाने वाले अनिवार्य कर्म अर्थात वह कर्म जो प्रतिदिन अनिवार्य रूप से किया जाना ही चाहिए, जैसे पूजा, संध्या वंदन इत्यादि। नित्य कर्म साधारण भाषा में यदि कहें तो वह कर्म है जो प्रतिदिन सुबह से रात्रि निद्रा तक किए जाते हैं। नैमित्तिक कर्म ऐसे संस्कार जो किसी के निमित्त किए जाते हैं नैमित्तिक कर्म कहलाते हैं, जैसे किसी त्योहार व पर्व पर विधि पूर्वक अनुष्ठान करना, पुत्र जन्म पर जात कर्म संस्कार तथा उपनयन संस्कार तथा किसी की मृत्यु होने पर दाह संस्कार, श्राद्ध कर्म, तर्पण इत्यादि। काम्य कर्म की बात करें तो कामना पूर्ति के लिए, अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए अनुष्ठान करना काम्य कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, धन वैभव व स्वर्ग प्राप्ति हेतु दान व यज्ञ किए जाते हैं, साथ ही प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि रोकने हेतु, अकाल पड़ने पर वर्षा हेतु यज्ञ हवन दान आदि कर्म काम्य कर्म हैं। प्रायश्चित कर्म अज्ञानतावश या जानबूझकर कोई भी अनैतिक कर्म या पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए जो कर्म किए जाते हैं प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं, जो इस जन्म में किए गए गलत कार्यों के प्रायश्चित स्वरूप किए गए कर्म है वह साधारण प्रायश्चित कर्म है। जन्म जन्मांतरों के पापों को छिण करने के लिए तप व अन्य अनुष्ठान पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं वह असाधारण प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। अब ये तो करने योग्य सब कर्म थे, अब निषिद्ध कर्म अर्थात जो कर्म नहीं करना चाहिए, जिन कर्मों का शास्त्रों में निषिद्ध है निषिद्ध कर्म कहलाते हैं, अर्थात जो कर्म शास्त्रों के अनुकूल नहीं है वही निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। निषिद्ध कर्म ऐसे गलत कर्म है जिन्हें करने पर हमारी अंदर आत्मा भी स्वीकृति नहीं देती है, पर मनुष्य इस अंतरात्मा अर्थात भगवान की आवाज को अनसुना कर वह कर्म करता है तथा यही कर्म निषिद्ध कर्म कहलाते हैं, जैसे कि जानबूझकर के झूठ बोलना, व्यभिचार, हिंसा, चोरी इत्यादि सब निषिद्ध कर्म हैं। वेदांत के अनुसार कर्म के तीन प्रकार हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। संचित कर्म की बात करें तो जो पूर्व जन्म में हमने अनेकों शरीरों धारण किए थे
उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल अर्थात प्रारब्ध, जिसको भाग्य भी कहते हैं। संचित कर्म अनेकों जन्मों के कर्म संस्कार हैं, जो हमारे चित्त में संचित हुए हैं, जमा हैं। इन्हीं चित्त के संस्कारों के समूह को संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म जो संचित कर्म संस्कार के अति बलवान कर्म संस्कार हैं। ऐसे बलवान कर्म संस्कार भोग दिलाने के लिए आगे आते हैं तथा भोग दिलाने के लिए भोगानुमुख होते हैं, तब उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। जीवन में सुख व दुख हमें प्रारब्ध कर्मों के फल भोग ही प्राप्त होते हैं। तीसरा है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म जिन्हें आगामी कर्म भी कहा जा सकता है। आगामी कर्म से अभिप्राय जो आगे किए जाने वाले कर्मों से है। जिन कर्मों का अभी आरंभ नहीं हुआ हो वही कर्म आगामी कर्म है। आगामी कर्म के भविष्य में फल प्राप्त होंगे। यही बात ध्यान देने योग्य है कि संचित व प्रारब्ध कर्म पर हमारा बस नहीं है, क्योंकि वे तो पूर्व में किए जा चुके हैं, परंतु आगामी कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं या आगे करेंगे, उन कर्मों को विवेक ज्ञान के द्वारा भी कर सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं, यह हमारे अधीन होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रारब्ध कर्मों का क्षय फल भोग के द्वारा होता है, परंतु विवेक ज्ञान से हम कर्मों का नाश कर सकते हैं। ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्मणि, अर्थात ज्ञान रूप अग्नि जब उत्पन्न हो जाती है तब समस्त कर्म संस्कारों के समूह उस अग्नि में भस्म हो जाते हैं, अर्थात दग्ध बीज हो जाते हैं। गीता के अनुसार कर्म तीन प्रकार के बताए गए हैं। कर्म अर्थात गीता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार किए गए कर्म वेद विहित कर्म है। अकर्म से अभिप्राय कर्म का अभाव ही अकर्मण्य यानी खाली बैठना, और विकर्म से तात्पर्य अविहित कर्म से है। जिन कर्मों से विहित निकल गया है वह विकर्म कहलाते हैं। अविहित कर्म अर्थात निषिद्ध कर्म ही विकर्म कहलाते हैं, पाप कर्म। योग सूत्र के अनुसार यदि बात करें तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के कैवल्य पाद में कर्मों का वर्णन करते हुए कहते हैं, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगी नस्त्र विदमित रेशाम, अर्थात शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म, शुक्ल के कृष्ण कर्म तथा अशुक्ल कृष्ण कर्म के चार भेद हैं। शुक्ल कर्म वेदों में बताई गई विद्या के अनुसार श्रेष्ठ कर्म शुक्ल कर्म है। शुक्ल कर्म वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं जिन कर्मों से सुख तथा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। कृष्ण कर्मों को निषिद्ध कर्म पाप कर्म भी कहा जाता है। इन पाप कर्मों से दुख तथा नरक की प्राप्ति होती है तथा पाप कर्मों से ही पशु योनि मिलती है। शुक्ल कृष्ण कर्म ऐसे कर्म जिसमें कुछ पुण्य हो और कुछ पाप हो। अशुक्ल कृष्ण कर्म पाप कर्म और पुण्य कर्म तथा मिश्रित कर्म से अलग अशुक्ला कृष्ण कर्म है, जिन्हें निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म किसी कामना के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य पूर्ति के लिए करते हैं। निष्काम कर्मों से अंतःकरण शुद्ध होता है। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा ऐसे साधक को शीघ्र ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान योग के बाद कर्म योग में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कर्म के विहित और जो है निषिद्ध कर्म और विहित कर्म के भी छह प्रकार हम लोगों ने देखा। इस तरह से गीता के अनुसार और योग सूत्र के अनुसार भी कर्म योग में विभिन्न प्रकार के कर्म देखे। अब योग के ज्ञान योग और कर्म योग के बाद भक्ति योग जो एक महत्वपूर्ण है वह देखते हैं। उस ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग में एक मार्ग भक्ति योग का बहुत प्रमुख मार्ग है। भक्ति योग भक्ति भाव द्वारा ब्रह्म सत्ता से जुड़े रहने का जीवन पद्धति है। भक्ति योग की साधना जगत में एक अन्यतम साधना है। भाव प्रधान साधकों के लिए भक्ति योग की साधना सबसे सरल साधना है। यह मार्ग ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल साधन कह सकते हैं, जिसमें बालक वृद्ध स्त्री व पुरुष किसी भी प्रकार से कोई संदेह, कोई आयु वर्ग, कोई जाति कुछ नहीं। भक्ति शब्द भज सेवायम धातु से तीन प्रत्यय लगा करके बनता है, जिसका अर्थ होता है पूजा सेवा उपासना इत्यादि।
इस प्रकार भक्ति सेवा द्वारा, उपासना द्वारा ईश्वर से तादम्य भाव स्थापित करना, या इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि भक्ति उस भावना का नाम है जिसमें भक्त ईश्वर के भाव में भावित होकर सर्वोद्भवेन तद्रूपता का अनुभव करता है। भक्ति योग की परिभाषा देते हुए नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, पूजा दिष्ट अनुराग इति पराश्रयः, अर्थात भगवान की पूजा अर्चना और उपासना में अनुराग होना ही, प्रेम होना ही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र 18 में महर्षि सांडिल्य के अनुसार आत्म प्रेम के अविरोध साधनों में अनुराग का होना ही भक्ति है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना ही भक्ति है। आचार्य गर के अनुसार ईश्वर के दिव्य गुण व कथा आदि के श्रवण में अनुराग का होना ही भक्ति है। समान रूप से देखा जाए तो ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम ही भक्ति है। पागल अर्थात पा करके जो गल जाए, यह प्रेम है, प्रेम का स्वरूप है पागलपन। पागल हो गए किसी भगवान के लिए, किसी मकसद के लिए, एक संकल्प के लिए और समर्पित हो गए, यही भाव भक्ति है। सांडिल्य सूत्र में परिभाषा देते हुए कहा गया है, सा प्राणुरक्ति ईश्वरे, अर्थात ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति रखना ही भक्ति है। भक्त प्रहलाद भक्ति योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, जैसी प्रीति इंद्रियों के नाशवान क्षण भंगुर भोग्य पदार्थों के प्रति अज्ञानी जनों की रहती है, वैसे ही प्रीति मेरी तुम में हो, और हे भगवान, तेरी सतत कामना करते हुए मेरे हृदय से वह कभी कम ना हो। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लाभ ही प्रिय जिमी दाम, अर्थात जिस तरह कामी पुरुष को और जिस तरह से चोर को और जिस तरह से लालची को अपने चीजों में प्रेम होता है, उसी तरह से हमारा प्रेम भगवान से हो जाए। अब थोड़ा सा देखते हैं भक्ति योग का उद्देश्य क्या है। भक्ति योग का उद्देश्य भक्ति भाव से ईश्वर के प्रति समर्पण व मोक्ष की प्राप्ति है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ ईश्वर में ही हो जाना भक्ति योग का उद्देश्य है। भक्ति योग सबसे सरल व सहज मार्ग है जिसमें साधक ईश्वर के गुणानुवाद के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग का उद्देश्य अपने पराये का भेद मिटाकर सर्वोत्तम भावेन उस ईश्वर को ही देखना है, इस जगत को ही ब्रह्ममय देखना है। एक उत्तम भक्त का भी यही पहचान है। भक्ति योग का साधक सभी पदार्थों में, सभी जीवों में ईश्वर का साक्षात्कार करता है। वह मन वचन कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित होता है और वह समस्त प्राणियों को ईश्वर की सत्ता मानकर उनसे निश्चल प्रेम करता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव ही उसे निंदा स्तुति में भी सम बनाए रखता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास ही उसे अदम्य साहस, पराक्रम और विपरीत परिस्थितियों में भी धीरता के साथ आगे बढ़ने की सामर्थ्य देता है। ईश्वर विश्वासी कभी भी अवसादग्रस्त नहीं होता, उसे कोई दुख नहीं सताते। इन सभी संकटों का समाधान वह अंतः प्रेरणा से कर लेता है। अतः भक्ति योग का उद्देश्य एक प्रकार से संपूर्ण जगत के प्राणियों के प्रति निश्चल प्रेम भाव है, सभी के प्रति समता का भाव है। इन्हीं उत्तम भावों को धारण कर ईश्वरमय हो जाना ही भक्ति योग है। अब भक्ति योग के विभिन्न भेद देखें तो दो तरह की भक्ति बताई गई है, हेतुकी गौणी भक्ति जिसको कहते हैं और अहेतुकी अर्थात पराभक्ति। हेतुकी भक्ति भी वैदिक भक्ति जिसको नौधा भक्ति भी कहते हैं, जिसमें श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य भाव आत्मनिवेदनम और अगात्मिक भक्ति और हेतुकी भक्ति, इन सबको बारी बारी से एक एक करके विस्तार में देखते हैं। हेतुकी या गौणी भक्ति जिसको कहते हैं, यह वस्तुतः सकाम भक्ति को ही, सगुण भक्ति को ही हेतुकी भक्ति कहते हैं। इसलिए इसे हेतुकी भक्ति अर्थात संसारिक विषयों को प्राप्त करने के लिए यह भक्ति की जाती है। यह भक्ति अहेतुकी भक्ति की प्रथम श्रेणी कही जा सकती है। गौणी भक्ति हेतुकी भक्ति या इसे अपरा भक्ति भी कहते हैं। गौणी भक्ति से
भक्ति के वास्तविक स्वरूप प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार की भक्ति में भक्त संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है, वही संकट में घिरने पर भी ईश्वर को पुकारने वाले भक्त भी इसी प्रकार के श्रेणी में आते हैं। यह वैधी भक्ति या रागात्मिक भक्ति हो सकता है। वैधी भक्ति में भी 9 भेद बतलाए गए हैं, जिसे नौधा भक्ति कहते हैं। श्रीमद् भगवत में नौधा भक्ति का वर्णन आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य शख्यमात्म निवेदनम। अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य और आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 भेद हैं। श्रवण भक्ति अर्थात चित्त को एकाग्र कर ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास कर उनके दिव्य गुण चरित्र लीला आदि का श्रवण करना ही श्रवण भक्ति है। कीर्तन भक्ति ईश्वर के दिव्य गुणों चरित्र लीला कथा आदि को गाते हुए गीतों के माध्यम से करना, भजन करना और भगवान की जो है गीत गाना, कीर्तन करना जो है भक्ति, कीर्तन भक्ति है। जैसे चैतन्य महाप्रभु इस्कॉन इत्यादि में देखे होंगे। स्मरण भक्ति भगवान का नाम श्रवण, उनके दिव्य गुणों का बार बार चिंतन करना स्मरण भक्ति है। वह ध्यान करना स्मरण भक्ति है। उदाहरणार्थ भक्त प्रहलाद। पाद सेवनम ईश्वर के दिव्य चरण कमलों का सेवा करना पाद सेवन भक्ति है। यह भक्ति 2 प्रकार से होती है, अपने आराध्य इष्ट या गुरुदेव के पाद युगल का हृदय में श्रद्धा भक्ति पूर्वक ध्यान करना ही पाद सेवन भक्ति है। द्वितीय अपने इष्ट आराध्य देव की प्रतिमा के चरणों को धोकर नित्य श्रद्धा भाव से साधना करना पाद सेवन भक्ति है। लक्ष्मी जी या गुरु चरणों की वंदना करने वाले शिष्य। अर्चन भक्ति, अर्चन का तात्पर्य है पूजन, अतः भगवान का विधि विधान पूर्वक व नैवेद्य आदि द्वारा पूजन करना अर्चन भक्ति है। इसमें बाह्य सामग्री द्वारा भक्त भगवान का पूजन करता है अथवा मन ही मन कल्पित सामग्री द्वारा भी भगवान का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है। वंदन भक्ति वैदिक रीति व वैदिक मंत्रों के द्वारा उत्तम स्त्रोतों द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करना वंदन भक्ति है। जैसे अक्रूर महाराज। दास्य भक्ति ईश्वर की उपासना करते हुए सेवा करते हुए अपने प्रति उपासक का भाव व सेवक का भाव बनाए रखना ही दास्य भक्ति है, जैसे हनुमान जी श्री राम जी के प्रति रखते थे। साख्य अर्थात मित्रता का भाव रखना, जैसे अर्जुन उद्धव और सुदामा कृष्ण भगवान के प्रति रखते थे। सुग्रीव भगवान राम के प्रति रखते थे। विभीषण भगवान राम के प्रति रखते थे। आत्मनिवेदन भक्ति, आत्मनिवेदन वह भक्ति है जिससे भक्त भगवान के स्वरूप में स्वयं को सर्वतो भावेन समर्पण कर देता है। जैसे प्रहलाद पौत्र राजा बलि ने बामन भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। रागात्मिक भक्ति, अब इन 9 भक्ति के बाद अर्थात यदि हम बात करें तो ये वैधी भक्ति थी। अब बात करते हैं किसकी, रागात्मिक भक्ति। रागात्मिक भक्ति नौधा भक्ति की चरम अवस्था कही जाती है। जब नौधा भक्ति अपनी चरम अवस्था को पार कर जाती है उस स्थिति में हृदय में अलौकिक भागवत प्रेम प्रवाहित होने लगता है। रसानुभाविका आनंद शक्तिदा राग आत्मिका अर्थात दिव्य भगवत प्रेम रस यानी आनंद रस का अनुभव कराने वाली भक्ति विशेष को रागात्मिक भक्ति कहते हैं। रागात्मिक भक्ति नौधा भक्ति की साधना के पश्चात दिव्य अलौकिक आनंद की अनुभूतिक अवस्था है। इस अनुभव गम्य अवस्था में भक्त को ईश्वर की झलक यत्र तत्र जहां तहां भगवान को ही वह देखता है। भगवान की झलक उसे कभी जल में, कभी थल में, कभी आकाश में, कभी मेघों में, कभी पेड़ों में, कभी पत्तों में, कभी बाहर, कभी अपने अंतः स्थल में उनकी झलक देखने को मिलती है। भक्त का चित्त उन्हीं रूपों में रमने लगता है। इसी अनुभूति का अवस्था का नाम रागात्मिक भक्ति है। अहेतुकी या पराभक्ति, साधक की उत्कृष्ट और अंतिम पराकाष्ठा ही पराभक्ति है। पराभक्ति के उपासक और उपास एक हो जाता है, द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। अतः कहा जा सकता है कि पराभक्ति में आराध्य व आराधक एक हो जाते हैं।
अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, द्वैत का भाव मिट जाता है, केवल ध्येय मात्र की प्रतीति रहती है, साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने भक्ति की परिभाषा, भक्ति के विविध रूप का अध्ययन किए। अब मन में ये अवश्य ही आता है कि जो है वह किस प्रकार की भक्ति, भक्त करने वाले अर्थात वह भक्त कितने प्रकार के होते हैं। तो भक्त में भी कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि भक्ति करने के लिए तो भगवान को भजन करने के लिए जो है पूजा आराधना जप ध्यान आदि तो सभी करते हैं, परंतु भक्त अर्थात जो है चार प्रकार के भक्त कृष्ण भगवान बताते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतो नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरत अर्षभ। यही जो है आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, प्रथम श्रेणी के भक्त हैं आर्त भक्त। ये वे भक्त हैं जब संसारिक विपदाओं और कष्टों में घिर जाते हैं तब उस समय भगवान की पूजा करते हैं, चाहे वो द्रौपदी हो या गजराज हो। जिज्ञासु भक्त कुछ जानने की, आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा रखता है, ब्रह्म तत्व को जानने की इच्छा रखता है वह, जैसे राजा जनक, उद्धव। अर्थार्थी अर्थात वे भक्त जो संसारिक वस्तु, धन, वैभव, मान व प्रतिष्ठा या स्त्री पुरुष आदि प्राप्ति की इच्छा से ईश्वर की उपासना करते हैं। समस्त मानव और दानव इसी श्रेणी में आते हैं, इसीलिए तो कहा जाता है कि स्वाभाविक रूप से मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है, उसी को अर्थार्थी भक्त भी कहते हैं। ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त ऐसे भक्तों को कहा जाता है जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना करते हैं। ऐसे भक्त ब्रह्म में चित्त को लगाए रखने के लिए ध्यान समाधि का अभ्यास आवश्यक समझकर ब्रह्म के ध्यान समाधि में चित्त को लगाए रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त मेरा ही स्वरूप है, इसलिए सभी भक्तों में ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवत पुराण में भक्तों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। साधारण भक्त वह भक्त होते हैं जो ईश्वर की आराधना केवल मूर्ति के रूप में करते हैं। मध्यम भक्त जो भक्त ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम अनुराग रखने वाला तथा ईश्वर के भक्तों के प्रति मित्रता का भाव रखने वाला तथा अज्ञानी जनों के प्रति दया का भाव तथा शत्रुओं के प्रति उदासीनता का भाव रखने वाला होता है वह मध्यम श्रेणी का भक्त है। उत्तम भक्त वह है जिसके अंदर समत्व का भाव हो, जिसके अपने पराये में कोई भेद ना हो, अपनी तथा दूसरों की संपत्ति में अंतर नहीं रहता हो, अहंकार व अभिमान से दूर रहकर समत्व बुद्धि वाला ही उत्तम भक्त है। उत्तम भक्त मन, वचन, कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित होता है तथा सभी प्राणियों में ईश्वर का स्वरूप देखता है, उसमें निश्चल प्रेम होता है भगवान के प्रति, उससे सर्वत्र ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। जो ईश्वर का एक निष्ठ ध्यान करते हुए निंदा तथा स्तुति में सम रहता है वही उत्तम भक्त है। इस प्रकार भक्ति योग के साधक की एक स्थिति यह आ जाती है कि जिसमें अपने पराये का भी ज्ञान नहीं रहता, उपासक और उपास एक ही हो जाते हैं, यही पराभक्ति है। कृष्ण भगवान कहते हैं, संतुष्टः सततः योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः मत्यर्पित मनोबुद्धियो मद भक्तः समे प्रियः। अर्थात जो सदा संतुष्ट चित्त का अपने बस में रखने वाला, अपने में ब्रह्म मात्र का दृढ़ निश्चय करने वाला, मुझ परमात्मा में मन तथा बुद्धि को समर्पित करने वाला योगी मेरा भक्त मुझे सबसे प्रिय है। इस प्रकार आनंद स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर साधक स्वयं भी आनंदी बन जाता है। श्रुति कथन भी है, आत्मवेत सर्वमिति स वा एस एवं पश्यन्नेव मन्नमान एवं विजानन्ना भवति। अर्थात यह सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा का ही है, मैं भी परमात्मा का ही हूँ। जो ऐसा देखता है, मानता है, ऐसा समझता है वह परमात्मा में ही अनुराग तथा उसके स्वरूप में सुख तथा आनंद का अनुभव करता हुआ परमात्मा स्वरूप हो जाता है, अर्थात आत्मा रूप हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने अभी भक्ति योग के विभिन्न विषयों को विस्तार में देखा।
अब इसमें प्रश्न जैसे ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म जो है योग इत्यादि हम लोगों ने देखा, भक्ति योग, मुमुक्षुत्व, सट संपत्ति, यम नियम इत्यादि हम लोगों ने देखा, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, स्मरण जो नौदा भक्ति था, ये सब भी हम लोग देखे। अर्थात योग विद्या हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा अपनाई गई ऐसी साधना पद्धति है जिन साधना पद्धति को अपनाकर जीवन के लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति संभव है। योग के किसी भी मार्ग, ज्ञान, कर्म, भक्ति को अपनाकर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। ये तीनों ही श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, एक दूसरे में कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता है। ज्ञान मार्ग अर्थात कृष्ण भगवान के तीन मित्र हुए अर्जुन, उद्धव और सुदामा जी। उद्धव जी ज्ञान मार्ग के उपासक थे, तो वहीं सुदामा जी भक्ति योग के और अर्जुन कर्म मार्ग के अर्थात कर्म योग के। ज्ञान मार्ग को अपनाकर सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति को ज्ञान योग कहते हैं। अपने कर्तव्य कर्म करते हुए कुशलता पूर्वक कर्मों को करना कर्म योग तथा भक्ति मार्ग द्वारा ईश्वरीय सत्ता की दिव्य अनुभूति ही भक्ति योग है। इन तीनों को हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हुए ज्ञान की प्राप्ति होती है और विवेक ज्ञान द्वारा मनुष्य के कर्म स्वयं ही कुशल होने लगते हैं। इस प्रकार इन तीनों को हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व दिया गया है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग का समन्वय जीवन को उच्च और दिव्य बनाता है। दिव्य व उत्कृष्ट जीवन द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। हरिओम तत्सत। आज यहीं तक, फिर हम लोग किसी और विषय को लेकर के अध्ययन करेंगे। अगला हमारा होगा अष्टांग योग, लेकिन आज हम लोगों ने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को बहुत सविस्तार हम लोगों ने देखा। आप सभी का धन्यवाद। और ये आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को अपने मित्र और जरूरतमंद और जो अपने जीवन में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को अपनाना चाहते हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, साझा करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके एक सुसंस्कृत समाज बनाने का प्रयास करें। आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।